हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्रंट एंड से अपना रिकॉर्ड सेव कराया था टेबल में। इस वीडियो में हम लोग जो टेबल में डाटा सेव करा चुके हैं उसे हमें लिस्ट में डिस्प्ले कराना है। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, तो जो भी इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे इसके नीचे मुझे शो कराने हैं, तो इसके लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से, एम्प्लॉय लिस्ट। और इसको क्या करूंगा कि एक WPDB नाम का जो ऑब्जेक्ट है उस पर मैं गेट रिजल्ट यूज करूंगा, गेट रिजल्ट, और यहाँ पे क्यूरी पास कर दूंगा। तो लिख दूंगा सेलेक्ट सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम हमें यहाँ से मिल जाएगा, टेबल नेम जैसे ऊपर आप जाते हो, ये टेबल नेम हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, यहाँ पे टेबल नेम लिख दिया। और उसके बाद मुझे एसोसिएटिव एरे में रिटर्न करवाने हैं, तो एरे ए कर देता हूँ, एरे ए आउटपुट मुझे एसोसिएटिव एरे में चाहिए। अब हम चेक कर लेंगे कि इफ अगर एम्प्लॉय लिस्ट में वैल्यू है तो इफ एम्प्लॉय लिस्ट में रिकॉर्ड हो तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से फिर ओपन कर देता हूँ PHP। डिव इसमें थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, तो स्टाइल स्टाइल इनलाइन ही लिख देता हूँ, मार्जिन टॉप मार्जिन मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बॉर्डर वन कर देता हूँ और यहाँ पे सेल पैडिंग सेल पैडिंग 10 कर देता हूँ। और उसके बाद इसकी फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, तो मैं स्टाइलिंग में ही लिख लेता हूँ, स्टाइल फॉन्ट साइज 20 पिक्सल 14 पिक्सल कर देता हूँ। और इसके अंदर हम TH ले लेता हूँ, TH सीरियल नंबर कर देता हूँ, सीरियल नंबर, उसको कॉपी कर करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, सीरियल नंबर यहाँ पे EMP ID यहाँ पे नेम 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 ईमेल ईमेल, उसके बाद डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में डेप्ट लिख देता हूँ, डेप्ट। और यहाँ पे एक एक्शन, ताकि फ्रंट एंड से हम लोग एडिट डिलीट भी कर सके, एक्शन, ठीक है। अब हम लोग इस एम्प्लॉय लिस्ट के वेरिएबल को
कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पे यहाँ पे मैंने टी आर लिखना भूल गया, पहले इसको टी आर लिख लेते हैं। टी आर क्लोज, फिर टी आर और यहाँ पे टी डी। यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर प्रिंट करना है तो आई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहीं पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे मैं डॉलर आई इक्वल टू वन कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे इसे फॉर इच में चलाने हैं, तो फॉर इच लूप चलाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर इच एम्प्लॉय लिस्ट एज डॉलर इंडेक्स और यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेता हूँ, डॉलर एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंड फॉर इच स्टडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिस्ट सॉरी एम्प्लॉय का आईडी ईएमपी आईडी ईएमपी नेम नेम और यहाँ पे ईएमपी डेप्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप एक्शन लिखना है तो यहाँ पे मैं ए टैग का यूज कर लेता हूँ, एचरेफ। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क और एक्शन में मैं लिख दूंगा अपडेट ईएमपी नाम का एक्शन। और यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ, आईडी में मैं लिख दूंगा आईडी इक्वल टू आईडी में मैं यहाँ पे डॉलर एम्प्लॉय का आईडी। यहाँ पे हमें आईडी रिसीव हो जाएगी और यहाँ पे हम ए को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ अपडेट, और इसी को हम डिलीट में भी यूज करेंगे। इसी टाइप में यहाँ पे सिर्फ एक्शन में हम डेल कर देता हूँ डीएल और यहाँ पे डिलीट डिलीट। अब मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपको नीचे आपको ये दिख रहा है डिपार्टमेंट में एक्शन आ गया। इसको मैं सही कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी नेम ईमेल पहले चाहिए, ईमेल और यहाँ से इसे कॉपी करके डिप्ट कर देता हूँ डिप्ट डिपार्टमेंट। आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये इसकी इंडेक्स भी दिख जाएगी वैल्यू के साथ सारी डाटा। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि
यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया, लेकिन ईमेल आईडी अभी भी हमें नहीं दिख रही है, तो इसको एक बार प्रिंट आर करके मैं चेक करके दिखाई देता हूँ आपको। प्रिंट आर, प्रिंट नस्कोर आर, और यहाँ पे मैं सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ईएमपी ईमेल। तो मैं यहाँ पे ईमेल में कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ईएमपी ईमेल ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब हमने, अच्छा ये स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें एक बार चेक करना है। सॉरी, यहाँ पे हमने ईमेल लिखना है, हमने गलत कर रखा है, ईमेल। इस तरह से हम लोग सेव करेंगे। अब कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी भी शो होगा। अभी फिलहाल हमने ईमेल आईडी में नेम वैल्यू डिस्प्ले करा था, सैनिटाइज भी करा था, इसलिए यहाँ पे स्टोर नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक बार स्टोर करके दिखा दे रहा हूँ, 101.03 कर देता हूँ, यहाँ पे रमेश कर देता हूँ, और यहाँ पे रमेश @test.com, और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में सेव कर देता हूँ और इसे सबमिट करूँगा। तो आप देखिए कि अब ईमेल आईडी भी आपको दिख जाएगी फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर देते हैं, स्टाइल फॉन्ट साइज में मिस्टेक है, और एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हो, ये फॉन्ट साइज भी छोटा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट करेंगे, अपडेट करते समय इसमें भी हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो इससे हम लोग प्रिंट आर्क को भी कमेंट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हमने अपना रिकॉर्ड का लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।